सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पिसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो ये जगह है अभी मयूर विहार, और मयूर विहार पे ये बारह पुल्ला यहां पर निकलता है आकर, यहां से ही देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये बारह पुल्ला का यहाँ इंटरचेंज बनाया गया है मयूर विहार पर। तस्वीर आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये परियोजना अभी लटकी पड़ी है, क्योंकि किसानों ने अपनी ज़मीन नहीं दी है, तो इस वजह से आधा हिस्सा बचा हुआ है बाकी। तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। तो देख सकते हैं, ये मयूर विहार के लिए नीचे से निकल जाता है और नोएडा के लिए ऊपर से निकल जाता है फ्लाईओवर, जब हम बारह पुल्ला से आएंगे। तो अभी जो एक्टिव है वो है सराय काले खां तक ही, तो बाकी तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है गाइस। तो आप लोगों को आज मयूर विहार से लेकर और गीता कॉलोनी तक का व्यू मैं देने वाला हूँ देहरादून एक्सप्रेसवे पर, कहाँ से इसकी एंट्री पॉइंटर कहाँ से नहीं है। तो इस पर NH24 पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी इसकी एंट्री दी जा रही है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, और बारह पुल्ला से भी दी जा रही है जिस पर हम अभी चल रहे हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आगे आने वाला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो हम इस फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे। और ये अक्षरधाम का फ्लाईओवर है और ये हमारे बगल से जा रही है ब्लू लाइन, ये नोएडा के लिए जा रही है गाइस। तस्वीरें देखते रहो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या केपी संत का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी वीडियोज़ को शेयर करें गाइस। तो चलिए आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। देख सकते हैं ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 16 लेन का, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और इसके बगल में है ये अक्षरधाम टेंपल, और यहाँ से ये मयूर विहार का वो है बारह पुल्ला, और वहाँ से ये कनेक्ट करेगा और इस पे आकर चढ़ जाएगा। और ये देख सकते हैं ये मयूर विहार का फ्लाईओवर है, आर्मी कपूर, ठीक है। और ये है ब्लू लाइन, ये देख सकते हैं लक्ष्मी नगर, और आगे चली जाती है ये यमुना बैंक, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आगे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। तो आज आपको अपडेट देने वाला हूं, इसी की अपडेट देने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, क्योंकि यहीं से ही वो स्टार्ट होता है। तो मैंने इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि ताकि आप लोगों की समझ में आए कि बारह पुल्ला जब ये चालू हो जाएगा, चालू हो जाने के बाद में फिर जितने भी एयरपोर्ट के जो वाहन आते हैं, गुड़गांव से वाहन आते हैं, और ये आपको एम्स हॉस्पिटल की साइड से, एम्स हॉस्पिटल से, एम्स हॉस्पिटल का जो गोल चक्कर है वहाँ से चढ़ेंगे और आप सीधे यहाँ के निकलेंगे, और यहाँ से आप लोग चढ़ जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। तो बहुत ही सुंदर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ही, देख सकते हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है गाइस। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो केपी संत के चैनल पर देखते रहो गाइस। Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
दोस्तों देख सकते हैं, ये है अक्षरधाम टेंपल के अंदर जाने के लिए रास्ता, और ये है मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन अक्षरधाम का, और यहाँ से ये मेट्रो चली जाएगी यमुना बैंक, और यमुना बैंक से सीधी ये राजीव चौक के लिए निकलेंगे। तो हम सीधे चलेंगे इस रूट पे और दिखाएंगे, और आपको बता दो गीता कॉलोनी होते हुए गांधीनगर होते हुए पुराने ब्रिज से ये निकल जाएंगे हम शास्त्री पार्क के लिए। तो देख सकते हो ये है मेट्रो स्टेशन, और इस मेट्रो स्टेशन पर कई सारे यहाँ पर शोरूम हैं गाड़ियों के गाइड। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो आगे आपको राइट हैंड पर पड़ेगा, आपको बता दूं क्या आपका लक्ष्मी नगर, और राइट हैंड पर पड़ेगा ITO, तो वो आगे आप लोगों को कट देखने के लिए मिलेगा आगे से, क्योंकि फ्लाईओवर उतरने के बाद में फिर लेफ्ट में कट चला जाता है ITO के लिए, और राइट में कट चला जाता है लक्ष्मी नगर के लिए, लक्ष्मी नगर प्रीत बिहार इधर चला जाता है ये। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो। दोस्तों ये नज़ारे हैं देख सकते हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, और ये जगह है, ये है रमेश पार्क जो जगह है, और आगे जाके गीता कॉलोनी स्टार्ट हो जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाने का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इस टाइम पे, देखो क्योंकि वो चौड़ा कर दिया जा चुका है, पर इधर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जा चुका है। तो ये 12 लेन का एक्सप्रेस वे होने वाला है, 6 लेन का एक्सप्रेस वे हो गया एक्सीड कंट्रोल्ड, और 6 लेन मिलेंगी लोकल ट्रैफिक के लिए गई। तो चलते हैं नीचे और फिर आपको दिखाते हैं, और इधर से हम आए अभी अक्षरधाम की तरफ से, ये अक्षरधाम है इस साइड में, ये बच्चों की पढ़ाई चल रही है यहाँ पर, ये मैडम पढ़ा रही है बच्चों को, देखो।
दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इस साइड में ये रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है अभी तेजी के साथ में, और ये यहाँ से गीता कॉलोनी स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हो एक्सपेंशन का काम चल रहा है रोड के एक्सपेंशन का। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि मिट्टी डाल के और इस पर कंक्रीट की लेयर भी डाल दी जा चुकी है, अब इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये राइट हैंड पर बीच में ये पिलर बनाए जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए। देखो ये पिलर बनाए जा रहे हैं, इस पर देख सकते हो ये ऊपर का वो लगा दिया है, और फिर इसमें कंक्रीट भर देने के बाद में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ये एक्सप्रेस वे नीचे उतर जाएगा, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। यहाँ से आपको बता दूं कि ये एलिवेटेड सेक्शन रहेगा, यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाएगा और ये रहेगा खजूरी तक, और खजूरी के बाद में फिर ये ग्राउंड लेवल पर आ जाए, ग्राउंड लेवल के बाद में फिर ये जो सादरा लोनी के लिए रोड जा रही है वहाँ से ये फिर एलिवेटेड रोड हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।